क्वेश्चन टू जरा देखिए, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए जब तक मैं गिवन टू प्रूफ वगैरह लिख लेता हूं। जल्दी पढ़ो भाई फटाफट। हाँ जी देखिए जरा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो भाई सी डी और ए बी ये दोनों लाइंस आपस में कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, ओ पर। इसके बाद यहां पर वो कह रहे हैं ये जो बी सी है ना, ये वाली साइड ये पैरेलल है किसके, ए डी के। और साथ में जो ए डी है ये वाली साइड और सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। ये दोनों क्या है, पैरेलल और साथ के साथ इक्वल है। और उन्होंने ये भी बोल दिया ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ दी लाइंस, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो कुछ बचा क्या अब इसमें प्रूव करने के लिए, साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? अच्छा ये शो करना है, आई एम सो सॉरी, शो दैट बोला उन्होंने, कह रहे हैं शो दैट ओ इज द मिड पॉइंट। सो बेसिकली हमें शो ये करना है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके। कैसे करोगे जरा देखो भाई, मैं कह रहा हूं ये वाला एंगल जो है ये वाला इसके इक्वल है या नहीं है। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंडिया, देखो यहां पे जेड फॉर्म हो रहा है ना, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, अगेन रीजन क्या होगा। तो आप चाहे तो इसको एंगल साइड एंगल, या फिर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल लेंगे तो एंगल एंगल साइड से भी कर सकते हैं। दो आप क्राइटेरिया यहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए जरा गिवन क्या क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन ये है कि बी सी इज पैरेलल टू डी ए एंड बी सी जो है वो इक्वल है किसके, डी ए। टू प्रूव हमें क्या करना है, ओ इज दी मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड ए बी। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं भाई इन ट्राइंगल, कौन कौन से दोनों ट्राइंगल ले लूं, एक तो मैं ले रहा हूं AOD और सेकंड कौन सा ले लूं मैं, AOD और BOC। सर ये वाला COB क्यों नहीं, क्योंकि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, तो शुरुआत B से होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, रीजन क्या है भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद एडी जो है, एडी इज इक्वल टू व्हाट, बीसी। रीजन क्या है भाई, गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है, और एंगल डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के। ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसे शॉर्ट में मत लिखना, ऊपर प्रॉपरली देखकर लिखना। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे आ गए हैं कॉन्ग्रुएंट, BOC, और रीजन क्या है, रीजन है जी बाय एंगल साइड एंगल रूल। और अगर ऐसा है तो हम क्लियरली लिख सकते हैं कि AO इज इक्वल टू BO एंड DO इज इक्वल टू CO। रीजन क्या है भाई, रीजन है बाय CPCT। और अगर ऐसा है कि ये दोनों, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो व्हाट डज इट मीन, इट मींस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ बाइसेक्ट, बोला है ना, मिड पॉइंट ऑफ बोथ किसके, ए बी एंड सी डी। बताइए इजी है, क्लियर हो गया, नोट कीजिए।